हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज है हमारे यहाँ श्राद्ध, तो अब मैं बना रही हूँ किचन में खाना। और अब मैंने पूजा कर लिया है, नहा ली हूँ, क्योंकि मुझे फिर भागवत कथा में भी जाना है। आज कल भागवत कथा चल रही है, तो फ्रेंड्स मुझे वहाँ भी जाना है, तो इस दिन के लिए मुझे काम निपटा लेती हूँ अपना। और ये देखिए, आज खाने में बन रहे हैं हमारे यहाँ दाल चावल, क्योंकि हमारे यहाँ देवताओं का श्राद्ध आज, तो आज बन रही है खीर, दाल चावल, रायता, आज ये सब चीज़ें बन रही हैं। ये देखिए, ये बन रही है खीर, कुकर में बन रही है उड़द की दाल भुनी हुई, और ये है चावल का। फैली हुई है किचन। अब जैसे जैसे मेरा काम निपटता जाएगा, मैं किचन से निकलती जाऊँगी। तो देखिए सुबह सुबह किचन कितनी फैल जाती है। चिमनी मैंने बंद कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी इसलिए। और मैं फटाफट से करती हूँ अपना काम प्लीज। और ये है मेरा सिंहासन, जिस पे बैठ के मैं काम करती हूँ। वैसे तो मैं खड़े होकर कर लेती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा देर का काम होता है तो मैं आराम से बैठ के यहाँ पर ऐसे और ऐसे बैठ जाती हूँ और ऐसे काम कर लेती हूँ। आराम से बैठ के काम करो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से काम हो जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि खड़े खड़े थक जाते हैं, किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मोस्टली ज़्यादा टाइम तो किचन में स्पेंड होता है लेडीज़ का, तो इसलिए मैंने अपने आराम के लिए चेयर ले रखी है। जब भी मैं थक जाती हूँ फिर मैं बैठ के काम कर लेती हूँ। फ्रेंड्स फाइनली मेरा खाना बन चुका है। अब कार्तिक और सुडेरी पूजा करेंगे, यानी कि श्राद्ध की थाली निकाल लेंगे, और उसके बाद मैं सबको खाना खिलाऊंगी, और फिर उसके बाद फिर किचन साफ़ करके फिर मैं और मेरी फ्रेंड भागवत कथा में जाएंगे। मैंने उसको फ़ोन कर दिया था कि अपना काम टाइम से निपटा लेना, तो फ्रेंड्स मुझे भी जल्दी हो रही है। मैंने उसको तो बोल दिया, लेकिन आज मेरा काम थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मुझे थोड़ी स्पीड से करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कथा में जाएंगे, फिर मैं आपको भागवत कथा की झलकियाँ वहीं से दिखाऊंगी। और मैं और मेरी फ्रेंड दो तीन दिन से लगातार जा रहे हैं, और काम की भी भागदौड़ हो रही है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम जल्दी निपटाना होता है जब कहीं जाना होता है। और ये 3-4 घंटे तो बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं शाम का समय, क्योंकि सब लोग ड्यूटी से आते हैं, बच्चे भी स्कूल ट्यूशन से आते हैं, तो फ्रेंड्स टाइम निकालना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन चलो फिर भी भगवान के नाम से थोड़ा बहुत निकालना चाहिए, और इस बार में मेरी और मेरी फ्रेंड की आउटिंग भी हो जाती है, थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं हम। अब मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और अब मैं किचन समेट के सबसे पहले थोड़ी देर रेस्ट करूँगी 10-15 मिनट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सुबह से काम में लगी हुई हूँ। और अब मैं ऐसे तो कथा में बैठ नहीं सकती, क्योंकि वहाँ भी बहुत देर तक बैठना पड़ता है, तो
तो फ्रेंड्स इसलिए अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी और उसके बाद फिर रेडी होकर अपनी फ्रेंड को फ़ोन करूँगी और फिर मैं उसको बुलाकर उसके साथ जाऊँगी भागवत कथा में। और फ्रेंड्स जब वहाँ भागवत कथा में जैसे ही भजन होते हैं, एक आंटी हैं वो एकदम से डांस करने लगती हैं, उनका भगवान में इतना भाव है, वो बिल्कुल अपनी भक्ति में मगन हो जाती हैं और किसी का ध्यान नहीं रहता उन्हें, और वो अपने आप में बस धीरे धीरे नाचती रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब भक्ति भाव है उनके अंदर। और वो जहाँ कहीं भी कथा कीर्तन मंदिर में हमारे घर के आसपास या कहीं भी कुछ होता है तो वो हमेशा ऐसे ही धीरे धीरे नाचती रहती हैं। और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी आंटी हैं, और आप भी देखना जैसे कथा में भजन होते हैं सामने की तरफ खड़ी रहती हैं। आप जब जाओगे मेरे साथ कथा में तो तब देखना। और अब हम चलते हैं भागवत कथा में। अरे पूजना ने जैसे ही लाला को गोद में लिया सो बंद कर दी। परीक्षित ने कहा प्रभु आंख तो बंद कर दी थी इस रात शशि को। सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं परीक्षित ऐसी बात नहीं है, भगवान तो बड़ा सुंदर स्वरूप धारण। सोच रहे हैं कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया कौन देव की, उसने भी मुझे अपना दूध नहीं पिलाया। दूसरी माँ यशोदा जिसके घर में 6 दिन से रह रहा हूँ इसने भी अभी तक मुझे अपना दूध नहीं पिलाया। फिर ये मेरी तीसरी माँ कौन आ गई जो मुझे दूध पिलाने के लिए आई है। तो भगवान के अनेकानेक कारण है, बहुत सारे कारण है। भगवान ने आंख बंद क्यों करी और आइए कुछ कारण मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि भगवान ने पूजना को देख करके आंख बंद क्यों करी है। पहला कारण, भगवान ने पूजना को देख करके आंख बंद इसलिए करी क्योंकि भगवान नेत्र बंद करके भगवान गणेश का ध्यान कर रहे हैं। हे गणेश भगवान मैं आज आपकी पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि जब भी कोई मांगलिक कार्य किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। तो नेत्र बंद करके भगवान गणेश का पूजन कर रहे हैं, प्रभु मैं आज से राक्षसों को मारने की शुरुआत कर रहा हूँ इसलिए आप मेरे कार्य में मुझे सिद्धि प्रदान करें। किसी ने कहा नहीं नहीं ऐसा कारण नहीं है, भगवान ने किसी और कारण से आग बंद करी है। किस कारण से आग बंद करी है? भगवान ने तो मेरी बात भैया भले मैं देखू ना देखू लेकिन आंखें बंद क्यों की?